What's up guys, welcome back to the vlog and आज है कोई 8th of April, so मैं बहुत दिनों बाद vlog कर रहा हूँ, like 10-11 दिन बाद vlog कर रहा हूँ. कुछ issue हो गया था, कुछ हो भी गया था मेरे साथ, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया था. सो अभी जस्ट आज vlog कर रहा हूँ. सो अभी सारी चीज़ें बताता हूँ, अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, कुछ काम है, उसके बाद आपसे मिलते हैं. सो फाइनली बैंक का काम भी कर लिया, अब जस्ट कुछ काम है, अब जो मेरे काम है उधर जाता हूँ. एक तो पहले गाड़ी का भी काम कराना है. सो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ अपने काम से, तो अभी 12:45 हो रहे हैं. अभी एक डेढ़ घंटे, आधे घंटे या 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा. सो आज मैं कॉलेज नहीं गया, मेरी क्लास थी 8:45 की, बट फिर एक फ्रेंड था वो कह रहा था क्या करेगा जाके, तो फिर मन नहीं कर रहा जाने का. तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, फिर मंडे या कल में चल लेंगे, थर्सडे. तो कल वैसे कोई क्लास है नहीं क्योंकि अब एंड ऑफ सेशन हो चुके हैं सारे, एक दो सब्जेक्ट्स के रह रहे होंगे, बस उनकी क्लासेस रह रही हैं. और सभी जस्ट काम जा रहा हूँ, और 5-10 दिनों से व्लॉग इसलिए भी नहीं कर पाया, थोड़ा कॉलेज में बिजी था और भी काम था, और गाड़ी नहीं थी मेरे पास. गाड़ी का क्या हुआ था, कुछ छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से वो कंपनी खड़ी हुई थी, तो मेरे को भी कल ही लेकर आया था मैं गाड़ी भी, तो 4-5 दिन लग गए थे उसमें भी. वो छोटा सा क्या थोड़ा सा बम्पर वगैरह लग गया था, तो वो ठीक करवाया था, तो उसमें टाइम लग गया था, दैट्स इट. और सुबह आज थोड़ा सा स्लीपी इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि रात को कल मैं लेट आया था, 2:30 बजे आया था, 2:30 बजे आया था, एक शादी में गया था, घर का फंक्शन था, तो उसमें से लेट आया था. और फिर सुबह 8 बजे उठ गया था, फिर फ्रेंड कहता कि भाई आज मन नहीं करा जाने का, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं भाई कल वल में चल लेंगे. सो चलो चलते हैं फिर. ये चीज़ बड़ी गलत होती है, बीच में मोड़ के एकदम बीच में खड़े कर रहे भाई के पीछे आ रहा हूँ, क्लियर वाले को भी देखना चाहिए कि उसका क्या होगा, बस मोड़ के साइड में खड़ी कर देना. क्या ट्रैफिक है, इसको तो मिस किया था मैंने, यही तो था जिसको मैंने मिस किया था. इतनी गर्मी, 2 मिनट के लिए क्या गाड़ी छोड़ी, भभक गई पूरी. आज तो मैंने लंच ही नहीं करा क्योंकि रात को मैंने बाहर का खाया था शादी में, उसके बाद तो फिर कुछ खाने का मन ही नहीं करा. सुबह भी बड़ा हैवी सा हो गया था, तो आज मैंने लंच नहीं करा, तो अभी से भूख सी लग रही थी, तो एक लाटे ली थी, तो फाइनली थोड़ी सी भूख लगी थी, एक बिस्किट लिया था और एक चॉकलेट ली थी, बस यही खाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ हैवी खाने का, क्योंकि रात को हैवी हो गया था इतना, उसके बाद दिन में मॉर्निंग में भी लंच नहीं किया, 3 बजने वाले हैं अभी. सो अभी जस्ट वहीं जा रहा हूँ अपने काम कराने गाड़ी का, सो चलते हैं. फाइनली इसका काम भी हो गया, गाड़ी का भी. एक मैं सोच रहा था डैम्पिंग कराने के लिए, बट डैम्पिंग का मुझे कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया कौन सी अच्छी शीट्स होती हैं, तो अभी 2-4 से पूछ के फिर देख पूछूंगा करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा. पर ऐसे वैसे मेरा इतना मन होता नहीं गाड़ी में कुछ काम कराने का, वो तो बस वो गर्मी की मारे थोड़ी सी वो करवाई थी फिल्म का काम, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला जो भी यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, दैट्स इट. सब जस्ट घर जाऊँगा, 4 बजे काम कराते कराते बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, कुछ और काम कराने का बिल्कुल मन नहीं करता. सो बस घर जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ शायद फरीदाबाद जाना है या नहीं जाना, पूछता हूँ मम्मी से, फिर सी यू. वेलकम बैक. सो घर पर आ गया था मैं 5 बजे करीब, उसके बाद अभी 5:45 हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया था मैंने, उसके बाद जस्ट खाया भी पिया जस्ट थोड़ा सा एक बनाना खाया था और थोड़ा सा दूध शेक पिया था, ब्लूबेरी शेक आ गया था जो मैं लेकर आया था, बहुत ढूंढ के मिला था, मिला ही नहीं रहा था, ब्लूबेरी शेक पिया था. आज स्विमिंग करने नहीं जा रहा, आज मेरे को काम है, फरीदाबाद जाना है, तो बताया था ना अभी फरीदाबाद जाना है, तो 6 बजने वाले हैं, तो अभी जस्ट फरीदाबाद के लिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं, उसके बाद रात को वर्कआउट करते हैं. ये भी सोच ही रहती है. चल चलिए.
फाइनली पहुंच गया। आप जस्ट देखता हूँ कि कितना टाइम लगेगा, कितने देर में फ्री होऊंगा। ज़्यादा देर का काम तो नहीं, मैं सामान नहीं उठाना वैसे तो। फटाफट से जाऊंगा, नहाऊंगा, शावर लेना, उसको थोड़ा बहुत शेक ही बनाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप। इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। एंड अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली आल्सो। थैंक यू।